गोनाहा प्रखंड में बाढ़ ने तोड़ा दो मुख्य सड़क, आवागमन हुआ बिल्कुल बंद। नरकटियागंज जमुनिया मुख्य मार्ग में जमुनिया प्रेम नगर के पास बन रहे पुलिया का अप्रोच मार्ग और सन बरसा बंधवा परसा रोड नदी में समाया। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण गोनाहा से आशिक हुसैन की रिपोर्ट। गोनाहा प्रखंड अंतर्गत नरकटियागंज जमुनिया भिखनाथोरी मुख्य मार्ग में जमुनिया पंचायत के प्रेम नगर नाला पर बन रहे पुल के पास आवागमन के लिए संवेदक के द्वारा बनाया गया अप्रोच चार दिनों के लगातार बारिश के बाद टूट जाने से नरकटियागंज जमुनिया भिखनाथोरी जाने वाली मुख्य मार्ग में आवागमन पिछले तीन दिनों से लगातार बंद है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि बन रहे पुल के पास संवेदक द्वारा बनाया गया अप्रोच लगातार चार से अधिक बार टूट चुका है। जब अप्रोच टूट जाता है तो नेपाल भिखनाथोरी जमुनिया इत्यादि गांव से नरकटियागंज जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरकार को जल्द से जल्द बन रहे पुल का कार्य पूर्ण कर लेना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने का सुविधा बहाल हो सके। वहीं अप्रोच के पास देखा गया कि जरूरतमंद लोग कंधे पर साइकिल उठाकर और जान जोखिम में डालकर तेज धार बहती हुई नाला को पार कर आ जा रहे हैं। महिलाएं भी किसी भी तरह बिना परवाह किए हुए नाला पार करते हुई देखी जा रही है। वहीं स्थल पर संवेदक से संबंधित किसी तरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं किया गया है, जिससे नाला पार करके आने जाने वाले को थोड़ी भी सुविधा मिल सके। वहीं मटेरिया थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव से उत्तर जाने वाली पक्की सड़क जो हस्ती बैरिया महुआवा महुई होते हुए बनवा परसा तक जाती है, सोनबरसा गांव से उत्तर बगल नदी ने रोड को अपने आगोश में ले लिया है, जिससे उक्त गांवों में आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है। सोनबरसा गांव निवासी जदयू प्रखंड उपाध्यक्ष रंजीत शाह उर्फ चरित्र शाह ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा है कि बंधवा परसा जाने वाली सड़क का मरम्मती कार्य यदि समय से नहीं कराया गया तो क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं क्षेत्र वासियों का कहना है कि सोनबरसा गांव से उत्तर बगल वाली सड़क को दो महीने पहले नदी धराशायी कर दिया था, लेकिन इस बार की वर्षा और बाढ़ ने सड़क को निगल लिया। इसका मुख्य कारण है कि रोड से संबंधित विभाग के कर्मियों का घोर लापरवाही है, क्योंकि दो महीने पहले महुई पंचायत के मुखिया शहर चौधरी के द्वारा विभाग के पदाधिकारियों को स्थल पर बुलाकर कटे हुए रोड को दिखाया गया था, लेकिन विभाग ने सार्थक पहल नहीं किया, जिसका परिणाम है कि रोड नदी में विलीन हो गया। वहीं मुखिया शहर चौधरी ने बताया कि यह लापरवाही संबंधित विभाग का है, जिसका परिणाम है कि आज सोनबरसा बाजार से बनाहवा परसा तक जाने वाली सड़क नदी में समा गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि थरूहट के विकास पर सरकार का ध्यान ही नहीं है, जबकि थरूहट के विकास के लिए केंद्र सरकार अनेकों योजनाएं उपलब्ध कराई है। न्यूज 9 टाइम्स। द्वार दो नदी बा रास्ता काट ले का कहे के चाहत नहीं द्वार दो नदी रास्ता काट लेने का जाए में दिक्कत होता एक अलावा कोनो रास्ता नहीं नाम का बा सुनरमन महतो घर सन्नावका टोला सनबरसा रास्ता कट गई बा का कहे के चाहत नहीं रास्ता कट गई बा तो कोनो सुनवाई बा एकरा खातिर नहीं है कौन नदी है द्वार दो कौन जगह बा ई सेमर से उतर बा द्वार दो नदी हो ई का ई रास्ता कहाँ जाला है ने बनाओ परसा एकरा बाद कोई गो गांव पड़ी तीन गो बा गांव चार पांच महुआ हसी बरिया नाम का बा बनापासा का नाम बा रामचंद्र माझी घर सोनबरसा द्वारदह नदी के कारण द्वारदह नदी द्वारा रास्ता को काट लिया गया है क्या कब कटा है रास्ता लगभग जो है एक डेढ़ महीना से कटाव हो रहा है पिछला बार जो है वरीय पदाधिकारी को सूचना किया गया मोबाइल से प्लस लिखित में भी दिया गया है ठीक ना उसके बाद भी जो है कोई पदाधिकारी यहाँ नहीं आया नहीं अभी तक जांच हुआ है और फिर जो है कल परसों में बाढ़ आया बाढ़ के कारण जो है इसको पूरा रोड कटाव कर लिया है आ उसके बाद जो है महुआ परसा हस्ती बरिया लगभग 1000 जमीन का जो है खेती बाड़ी आवागमन बाधित हो गया है अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ पर जो है नहीं पहुँच पाया है बाढ़ जो है अपना जो है रनिंग में पहाड़ी नदी का पानी आ रहा है उसी से कटाव जारी है अभी हो सकता है कि कोई भरोसा नहीं है कि कब कितना काट ले जान मान की भी क्षति होने की संभावना बनी हुई है कोई आला अधिकारी के द्वारा इसका सुध लिया गया है कि नहीं लिया गया है कोई अधिकारी के द्वारा इसका सुध नहीं लिया गया इसकी सूचना जो है हल्का कर्मचारी मोही पंचायत को भी दिया गया है
मनरेगा विभाग से भी पंचायत नरेगा को दिया गया है, उसके बाद जो है वीडियो और पूर्ण रूप से रास्ता कब कटा है? ये पूर्ण रूप से लगभग जो है 1.5 महीने से कटाव हो रहा है। अभी वर्तमान में कल परसों से जो है फाइनल रास्ता गिर गया, जिसके माने कोई इसके अलावा कोई प्रखंड मुख्यालय जाने वाला रास्ता नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं। कितने गांव का संपर्क इस रास्ते से था मुख्यालय का? 4-5 गांव का, 4-5 जो गौनाहा में आता है, जो गौनाहा प्रखंड में आता है। आपका नाम? रंजीत शाह। ये कौन सा नदी है? द्वारदह नदी है। घर आपका? सोनबरसा है। पंचायत कौन सा है? मोही पंचायत है। नदी से कटाई हो गई बा रोड के, एकरा अलावा भी दूसर कोनो रास्ता बा? कोनो रास्ता नहीं छे, एक ये रास्ता बा, तीन गांव बा हस्ती बैरिया महुआ परसा, तीन गांव एने ओरिया बटे। आ एक कोई कोनो सुनवाई नहीं छे, कितना बैरिया हमी के सीओ के लगे वीडियो के लगे सब के लगे खबर कर देनी सन, आ केहू के एकर सुनवाई नहीं छे। कोनो आला अधिकारी ध्यान नहीं खे दे, केहू ध्यान नहीं खे देत एकरा पर, सब केहू से कहा गइल बा ए पर केहू ध्यान नहीं खे देत, आ ना ध्यान दी तो रास्ता बंद हो जाई तो कैसे आदमी चल पाई। अब बगल में 4 गो गांव बा जौना के आवागमन सब रुक गइल बा, दूसर कोई रास्ता नहीं खे। ये कौन नदी बहता? द्वारदह नदी हो। नाम का बा अपन? अपन हमार नाम बा नागेंद्र शाह। घर? घर यही पर बा, सोनबरसा। घर ये जो अप्रोच टूट गया है इसमें आने जाने में परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। बढ़िया परेशानी हो रही है। इस साल कितना बार अप्रोच टूट गया? अब की बार 3 बार टूट गया। 3 बार टूट गया, चार बार। आप लोग हेलने में परेशानी हुई? बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। पार करके आया टूटा हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत कठिनाई हो रही है। जी बहुत ज्यादा। इस बार एक साल में ये इस अप्रोच कितना बार टूट गया? ये अप्रोच ये 3 से 4 बार टूट चुका है। ये कौन जगह है, कौन पुल बन रहा है? ये पचगछिया और प्रेमनगर के बीच में ये पुल है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। घर? घर यहीं पर है, पचगछिया में। प्रमोद कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, ये टूट गया है अप्रोच, ये कौन जगह है, ये कौन पुल बन रहा है? पचगछिया और प्रेमनगर के बीच में जो है, पचगछिया और प्रेमनगर, नरगड़िया जमुनिया मुख मार गई है। इस बार कल टूटा है अप्रोच? कल टूटा है। सब मिला के इस साल कितने बार टूट गया? 3 से 4 बार टूटा है। 3-4 बार टूट गया। क्या कहना है इसके लिए आपको? कहना यही कि बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, पढ़ने जाने के लिए स्कूल के छुट्टी करके रहना पड़ रहा है। जल्दी से जल्दी इसको मरम्मत हो जाता तो बच्चे लोग अपना पढ़ाई करते हैं।